अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रो इन कंटेनर में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हमारी प्लांट के लीव्स बड़े कैसे कर सकते हैं। तो इस पर मेरी पहले भी एक वीडियो बनी हुई है जिसमें मैंने आपको बताया था। तो आज मैं फिर आपको ना वही तरीका बताने लगा हूँ। और ये देखिए, आपको रिजल्ट भी दिखा रहा हूँ उसका। देखिए कितने बड़े बड़े लीव्स हो गए हैं। तो ये मैंने यूज़ किया था नियर अबाउट महीने पहले, और एक महीने के अंदर अंदर ना इनके लीव्स बड़े आना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए कितने बड़े बड़े लीव्स आ रहे हैं। इसको देखिए तो मेरे पूरे हाथ के बराबर हो गए। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े अब लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये मैंने ना एक महीने पहले यही किया था। ये देखिए कितने अच्छे और प्यारे शेड्स आ रहे हैं, और काफ़ी बड़े बड़े लीव्स आ रहे हैं। हालांकि अगर पहले देखें ना पीछे वाले इनके लीव्स, देखें कितने छोटे छोटे लीव्स हैं। इसको देखें, इसको कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें, सेम ऐसे इसके पीछे वाले को कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें। ये देखें, ये भी बाद में निकला है। इसका थोड़ा छोटा साइज है और इसका उससे भी बड़ा साइज़ है। सेम आप इसी को देखें कैसे बड़े बड़े लीव्स आ रहे हैं, जबकि पीछे जो हैं वो छोटे हैं और आगे बड़े हैं। ये आपको ना डिफरेंस दिख रहा होगा। इसके भी देखें कितने बड़े बड़े लीव्स हैं, जबकि पीछे जो है छोटे लीव्स हैं। क्यों? क्योंकि ना मैंने ये एक महीना पहले डाली, और ये देखें कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आज मैं आपको ना वही आसान सी काम करना है, आपने कोई मुश्किल काम नहीं करना। ये देखें, ये देखें, तो इनमें मैंने नहीं डाली थी। ये देखें इनके अभी भी छोटे हैं। क्यों? क्योंकि ये छुपे पड़े थे यहाँ, तो मैं यहाँ पे नहीं डाली, मैं सिर्फ यहीं से डाली थी। मैं रोज़ को दे रहा था तो उसके साथ में मैं इनको भी डालता गया। वैसे मैं चेक करना था कि इनको कोई असर पड़ता है। तो ये देखें कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। बड़े प्यारे शाइनी लीव्स हैं और वेरिएशन भी बहुत अच्छी आई है। जबकि इनको देखें, इनके थोड़े डल डल लीव्स हैं, छोटे हैं काफ़ी। इसको देखें और इसको देखें, काफ़ी फ़र्क है हेल्थ में और शेडिंग में। ये देखिए इन पर तो किसी पे बर्निंग भी है। इसके लीव्स का वो देखें, कलर देखें कितना फेड हुआ है। इसके लीव्स का कलर देखें कितना प्यार आया हुआ है। तो आज हम सीखेंगे कि हमने क्या करना है। आपने लेनी है एक लीटर वाली बोतल, उसमें डालना है इतना, देख रहे हैं ये छोटा सा कप है, उसका ना आधे से ज़्यादा भरा हुआ है। अगर डेढ़ लीटर वाली बोतल है तो पूरा भरा हुआ डालना है, और अगर लीटर वाली बोतल है तो इतना डालना है। बाकी मैं इसको भी पूरा नहीं डालूँगा, मैं बस इतना सा डालूँगा, क्योंकि ये लीटर वाली बोतल है, इतना बचा दूँगा। बस थोड़ा सा डालना, ज़्यादा नहीं डालना। क्यों? क्योंकि गर्मी अब ज़्यादा आ गई है। और अब क्या करना, अब इसमें पानी मिक्स कर देंगे, सिंपल पानी। तो अब इस बोतल को इतना भर देना है, इसको ऊपर ढक्कन लगाना है। ये देखिए मैंने ना यहाँ से लेके यहाँ तक डाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा। ये देखें अभी थोड़ा सा बचा गया। डेढ़ लीटर होती है ना, मैं इसमें पूरा डाल देता, लेकिन ये लीटर वाली है मेरे पास फिलहाल। उस समय मैंने डेढ़ लीटर में ना पूरा कप डाला था, लेकिन उस समय इतनी गर्मी नहीं थी। अब थोड़ी गर्मी ज़्यादा है तो आप थोड़ी डोज यूज़ करनी है, क्योंकि ये काफ़ी इसमें नाइट्रोजन होता है गोबर में। तो ऐसे हिला के ना इनमें ना थोड़ा थोड़ा डालना, ज़्यादा नहीं डालना। ये मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, कहाँ से दिखाऊँ आपको, जहाँ नज़र भी है। बस इतना सा देख रहे हैं, मैंने थोड़ा सा यूज़ किया। अब थोड़ा सा और उसमें डाल देते हैं, जितना छोटा गमला उतना कम डोज। ये देखिए इसमें बस, अब इसमें देखिए। तो इस बार ना मैं इनमें भी यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये पहले दिख नहीं रहे थे मुझे। तो मैं दिया अबाउट सब में ही डाल लेता हूँ, जो जो से दिखेंगे मुझे। और मैं किस में भूल रहा हूँ, इनमें भी मैं डाल लेता हूँ। मैं ये जो है बड़े,
तो ये देखें, ये मैंने सारा डाल लिया लेकिन थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं किया। ये देखें अब मैं क्या करूँगा, जैसे ये पानी पी लेंगे ना, इनको सादा पानी देना। फिर मैं सादा पानी डालूँगा मैं, ताकि क्या हो, उनकी जड़ों को ना ड्रैक ये लगे ना। बस ऐसे अब मैं ऊपर इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दूंगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। फिर देखिएगा कि कितने अच्छा रिजल्ट मिलता है मुझे। तो मैंने कहा आपसे क्या शेयर कर लूँ कि इतनी अच्छी प्रोग्रेस है। आप भी अगर ऐसे चाहते हैं तो आप भी यही तरीका यूज़ कीजिएगा, थोड़ा यूज़ कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा प्लांट में डालिएगा। गमलों से फर्क नहीं पड़ता, ये सब 4 इंच के पॉट में है और कुछ तो 2-2 इंच के पॉट में, उसमें प्लास्टिक पॉट में 2-2 इंच वाले। आपको दिखाता हूँ, एक अगर निकल आए तो ये देखिए, ये पता नहीं कितने इंची का होगा। इसके रूट्स चेक करें, ये देखिए कितना अच्छा रिजल्ट। और इसको भी दिखा देता हूँ आपको, अगर ये निकल आए तो, ये निकल आएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसे पहले छोटे पत्ते थे, बड़े पत्ते आने स्टार्ट हो गए। पहले छोटे हैं पीछे, आगे बड़े आ रहे हैं। और इसको देखिए कैसे बड़े बड़े पत्ते आ रहे हैं। तो ये सब के सामने एक ही पॉट में लगे हुए हैं। ये 4 इंची का पॉट है। और ये देखिए पहले पत्तों को चेक करें, अब वाले पत्ते चेक करें, इसके भी पहले वाले चेक करें, अब वाले चेक करें, बड़े ही डिफरेंस है नए पत्तों में और पुराने पत्तों में। ये देखिए इसके तो वेरिएशन थी ही नहीं, कैसे आ गई इसकी वेरिएशन। तो आपने भी ऐसे यूज़ करना है अगर आप ऐसा रिज़ल्ट चाहते हो। ये देखो इसमें लगा हुआ है, इसने तो पी लिया क्योंकि ये पीट मॉस थी, ये मट्टी है, ये भी पी रही हैं। तो आपने बिल्कुल ऐसा करना है, और इनको ना धूप वाली जगह पर रखना, कम से कम ना रोज़ 4 घंटे की धूप आए, और इसमें ना पानी की कमी नहीं होने देनी, इन्हें पानी पसंद है। बस यही काम करना है और फिर देखिएगा कि आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसका प्लांट अगर मैं पीछे पड़ा वहाँ से निकल नहीं सकता, मैं आपको वो भी दिखाता। तो चलें, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।